दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर जिस चीज़ के बारे में मैं आप दोस्तों के साथ गुफ्तगू करने वाला हूँ, उसको रोगन बलसान कहा जाता है। बहुत सारे लोगों ने इसको इस्तेमाल भी किया होगा। बलसान एक दरख्त का नाम है जिससे रोगन निकलता है, जिसको रोगन बलसान कहा जाता है। जोड़ों का दर्द हो, जिस्मानी कमज़ोरी हो, मर्दाना कमज़ोरी हो, नफ्स की कमज़ोरी का मसला हो, फालिन लकवा और शुगर का मसला हो, तो इन तमाम के तमाम अमराज के लिए एक तरतीब के साथ इसको इस्तेमाल करवाया जाता है। अब बलसान का इस्तेमाल किस बंदे को करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, या किन किन अमराज के लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है और कौन कौन से इसके अंदर परहेज होगा, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको मुकम्मल तफसील के साथ बताने वाला हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद इस्माइल आपको अपने चैनल के अंदर खुश आमदीद कहता हूँ। सबसे पहले मेरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दाद से दुआ है कि पूरी दुनिया के अंदर जितने बसने वाले इंसान हैं, अगर कोई परेशान है तो अल्लाह ताला उनकी परेशानी को दूर फरमाए, बीमारों को कामिल और मुकम्मल सेहत अता फ़रमाए, और जो आपके हक़ के अंदर बेहतर हो खुदा ताला सबको अता फ़रमाए। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको रोगन बलसान के फ़वाद के बारे में और उसके इस्तेमाल करने का तरीका और रोगन बलसान को इस्तेमाल करते हुए किन किन चीज़ों से आपने परहेज़ करना है, ग़िज़ाई एतबार से भी और दीगर कुछ मसाइल के बारे में मैं इंशाल्लाह ताला आज की इस वीडियो के अंदर मुकम्मल तफसील के साथ आप दोस्तों को बताने वाला हूँ। रोगन बलसान आपने नाम सुना हुआ होगा, बहुत सारे लोगों ने इसको इस्तेमाल भी किया होगा और इससे फ़ायदा भी उठाया होगा। कुदरती चीज़ है, मकाम बदर के अंदर पाया जाता है, वहाँ से हासिल करके पूरी दुनिया के अंदर इसको भेजा जाता है और लोग इसको इस्तेमाल करके इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। जिस्मानी कमज़ोरी का मसला हो, मर्दाना कमज़ोरी के मसाइल हो, बे औलादी का मसला हो, या दीगर कई मसाइल हैं, शुगर हो, जोड़ों का दर्द हो, दीगर मसाइल हो, तो इन तमाम के तमाम मसाइल के लिए रोगन बलसान का इस्तेमाल करके इससे फ़ायदा उठाया जाता है। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रोगन बलसान का काम कर रहे हैं, उनके पास रोगन बलसान दस्तियाब होता है, मक्का के अंदर भी हैं, मदीना के अंदर भी हैं, दीगर कई जगहों पर भी हैं, हम भी बराह रास्त मकाम बदर से लाते हैं। लेकिन चूंकि रोगन बलसान का ताल्लुक इंसानी सेहत के साथ बराह रास्त है, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर रोगन बलसान दो नंबर हो या मिलावट वाला हो तो इससे गुर्दे फेल हो जाते हैं, इससे बीपी के हाई होने का मसला हो जाता है, मैदा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और दीगर कई मसाइल इससे पेश आ सकते हैं अगर रोगन बलसान खालिस ना हो। तो उसको ख़रीदते हुए इस चीज़ की एहतियात करें कि रोगन बलसान 100% प्योर और खालिस हो। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये कि जिससे भी ख़रीदें अपना मिजाज उसको बता दें। अगर आपको पता है, आपने अपनी तशखीस करवाई है किसी नबज़ शनास से के पास जाकर अपनी तशखीस करवा ली है कि मेरा ये मिजाज बनता है, या अगर आपको मिजाज का पता है तो जिससे भी रोगन बलसान ख़रीदें उनसे कहे मेरा ये मिजाज है, मेरे मिजाज के अंदर गर्मी का गलबा है, खुश्की का गलबा है, सर्दी का गलबा है, तरी का गलबा है। अब इस एतबार से तुमने मुझे सजेस्ट करना है, मुझे बताना है कि मैं रोगन बलसान का इस्तेमाल कैसे करूँ। हर बंदे की तबीयत और मिजाज मुख्तलिफ होता है, उस एतबार से रोगन बलसान अगर उसको मिजाज और कैफियत के एतबार से इस्तेमाल करवाया जाएगा तो इंशाल्लाह ताला उसको खातिर खा फ़ायदा होगा। ऐसे ही वो तमाम के तमाम लोग जिनको मर्दाना कमज़ोरी का मसला है, शादियां हो चुकी हैं लेकिन औलाद नहीं हो रही, अब बाज़ दफ़ा उनके स्पर्म्स का मसला होता है, अब स्पर्म के अंदर भी बाज़ दफ़ा टोटल काउंट का मसला होता है, बाज़ दफ़ा एक्टिव का मसला होता है, बाज़ दफ़ा पसल का इशू ज़्यादा होता है। अब ये रोगन बलसान का इस्तेमाल अगर पसल ज़्यादा हो तो कैसे करवाया जा सकता है, हो सकता है या नहीं हो सकता, टोटल काउंट कम है, एक्टिव स्पर्म कम है तो इसका इस्तेमाल कैसे करवाया जाएगा, मिजाज के अंदर गर्मी है तो कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिससे भी आप रोगन बलसान ख़रीदें अपना मिजाज और कैफियत बताकर उनसे इस्तेमाल का तरीका पूछ लें कि हम आपसे ले रहे हैं, हम पैसे लगा रहे हैं, अब मुकम्मल तरीका हमें समझा दें। ऐसे ना हो कि वो आपको एक पेपर पकड़ाएं और बता दें कि बस ठीक है, रोज़ाना के अतबार से एक दो कतरे इस्तेमाल करते रहें दूध के साथ या जैतून के तेल में, बस आपके लिए काफ़ी है। तो बहुत सारे लोग फिर शिकायत करते नजर आते हैं कि हमने मदीना से ख़रीदा, फ़लाँ जगह से ख़रीदा, लेकिन हमें एक रत्ती के बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ा। उसकी वजह यही होती है कि जो चार्ट पर लिखा होता है या जो बताया जाता है आप उसी के मुताबिक अमल करते हैं, जो आपके मिजाज के अतबार से ठीक नहीं होता। तो आज की इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताऊंगा कि रोगन बलसान किस किस मर्ज के लिए, किस किस बीमारी के लिए इस्तेमाल होता है और इस्तेमाल करते हुए किन किन चीज़ों से आपने परहेज़ करना है।
अगर आप दोस्त हमसे रोगन बलसान मंगवाते हैं, आप लोगों को मिजाज का नहीं पता, तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको मिजाज के मुतालिक भी गाइड कर दूंगा, और मेरी वीडियोस भी हैं मिजाज के मुतालिक, अगर आप वो देखना चाहें तो हमारे चैनल पर मौजूद हैं। इससे इंशाल्लाह ताला आपकी रहनुमाई भी हो जाएगी और आपको पता भी चल जाएगा कि आपका मिजाज कौन सा है, सर्दी है, खुश्की है, गर्मी है जिस्म के अंदर, वो भी आप इंशाल्लाह ताला वहाँ जाकर मुकम्मल तफसील के साथ हमारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तफसील में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि नीचे टाइटल के अंदर मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल का लिंक मौजूद है, ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर कोई दोस्त खालिस रोगन बलसान, जंगली शहद, ज़ाफरान, सलाजीत, असमत सुरमा या किसी भी किस्म की दीगर अद्वियात मंगवाना चाहें, ऊपर मेरे व्हाट्सअप पर रब्ता करें, मुझे जैसे ही वक्त मिलेगा मैं इंशाल्लाह ताला जल्द अज जल्द आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। क्या क्या फ़वाद हैं रोगन बलसान के, कैसे उसको इस्तेमाल करना है, तफसील के साथ सुन लेते हैं। जी तो दोस्तों, ये रोगन बलसान के इस्तेमाल में क्या क्या परहेज़ करना है और कुछ ज़रूरी हिदायत, ये मैंने आप दोस्तों के लिए लिख कर रखी हैं, उम्मीद है इंशाल्लाह ताला इससे आपको फ़ायदा होगा। नंबर एक, सबसे पहली चीज़ तो ये कि शिफा खाले के कायनात के हाथ में है, इसलिए यकीन सबसे पहले अल्लाह की ज़ात पर हो और फिर भरोसे और यकीन के साथ दवा यानी रोगन बलसान का इस्तेमाल करें, अल्लाह पाक ज़रूर शिफा देंगे। शिफा अल्लाह पाक के हाथ में है, इस बात को जहन के अंदर रखना है। रोगन बलसान पर एतमाद नहीं करना, अल्लाह की ज़ात पर एतमाद करते हुए बतौर दवा के रोगन बलसान का इस्तेमाल करना है। नंबर दो, मैदा ठीक होना चाहिए। अगर जानना चाहते हैं कि मैदा ठीक है या ख़राब है, तो हमारी YouTube पर बहुत सारी वीडियोस इस मौजू पर मौजूद हैं कि आया आपका मैदा ठीक है या नहीं है। बाज़ लोग पूछते हैं कि आप मुख्तसरन बता दें, तो उसमें ये बात मैं अर्ज़ करना चाहूँगा, अगर आपको कब्ज़ का मसला नहीं है, खाना ठीक तरीके से हज़म होता है, भूख वगैरह ठीक लगती है, तेज़ाबियत का मसला नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आपका मैदा ठीक है। आप रोगन बलसान को अपने जिस भी मरज़ के लिए इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। नंबर तीन, शुरू के 10 दिन सिर्फ एक कतरा इस्तेमाल करना है, उसके बाद मशवरा करके मिकदार बढ़ा सकते हैं। शुरू के 10 दिन आपने एक कतरा इस्तेमाल करना है। यह रोगन बलसान आधे तोले की शीशी मेरे हाथ के अंदर है। इस्तेमाल करने से पहले अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे, हिला लेंगे, या बीच में ज़र्रात देख रहे हैं, जब रोगन बलसान दरख्तों से निकाला जाता है तो कुछ ज़र्रात इसके अंदर रह जाते हैं। तो रोगन बलसान को पहले अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, फिर बाज़ लोग कहते हैं कि ये ड्रापर आप इसमें नहीं रखते, तो ड्रापर रखना मुश्किल होता है क्योंकि ये जम जाता है, उसमें कतरा फिर सही तरीके से निकल नहीं पाता। ये स्टिक साथ में होती है, दो तीन दफ़ा अच्छे तरीके से इसको लगाकर जब निकालेंगे तो एक कतरा निकल आएगा आसानी से। थोड़ी देर इंतज़ार करना पड़ेगा, ये एक कतरा निकल आता है, दो तीन दफ़ा करके ऐसे करके एक कतरा निकालना है, दूध के अंदर डालकर रात को सोने से पहले इसको इस्तेमाल कर लेना है। तो शुरू के 10 दिन हम एक कतरा इस्तेमाल करवाते हैं, फिर उसके बाद आप मशवरा करके मकदार बढ़ा सकते हैं। नंबर चार, गैस वाली चीज़ों से परहेज़ करना है। आलू, चावल, गोभी, मटर, चिकन, बोतल, बड़ा गोश्त, बेकरी का सामान वगैरह रोगन बलसान का इस्तेमाल करते हुए इससे परहेज़ करेंगे। देसी ग़ज़ाएँ अपने मैदे की कैफियत को सामने रखते हुए इस्तेमाल करें। देसी ग़ज़ाओं में देसी मुर्गी, बकरे की यखनी, सब्ज़ी डालकर, जैतून, शहद, दूध, देसी घी वगैरह ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक माह तक आपने मुकम्मल परहेज़ करना है ग़ज़ा वगैरह का, यानी रोगन बलसान का इस्तेमाल करते हुए कम अज़ कम एक महीने तक आपने ये परहेज़ रखना है। नंबर आठ, दूध खालिस होना चाहिए। जब आप रोगन बलसान का इस्तेमाल करें तो कोशिश करें कि दूध बिल्कुल खालिस हो, उससे आपको जल्दी और प्रॉपर सही तरीके से फ़ायदा होगा। सबसे अहम बात, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। 7 दफ़ा दरमियान में ये दुआ पढ़नी है, इंतहाई आजजी और इनकसारी के साथ, रब्बी ला तज़रनी फ़र्दं व अंत खैरुल वारिसीन। जो लोग इसको बेऔलादी के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो रोगन बलसान के साथ साथ ये अमल ज़रूर करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात इंशाल्लाह अपना करम ज़रूर फरमाएंगे। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। जो हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटी वाले बटन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। कल एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। इजाज़त दीजिए, शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।